guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This is the most requested video by my Instagram family because sab dekhte meri daily stories mein ye bag hamesha hota hai. This is my everyday wear sling bag. So I thought let's do a quick what is in my bag video. So bag ki details main baad mein share karne wali hu. Sabse pehle dekhte hain andar kya hai. Jab pura khali ho jayega fir main aapko dikhaungi. So going it with the most heavy item, of course, my phone. Sabse pehla item hai mere bag mein mera phone, which is 15 Pro Max. The next item that comes in my hand is this Lakme 9 to 5 sunscreen. Now this is something a new addition to my bag. मैं हमेशा अपने bag में एक अच्छी sunscreen रखती हूँ and अच्छी means hydrating, SPF अच्छी होनी चाहिए and this sunscreen kind of fulfills all the requirements that I have. ये है Lakme की 9 to 5 sun protection plus hydration sunscreen. So ये sun expert sunscreen है with 1% hyaluronic complex aqua sun gel. इसके अंदर है SPF 50 with PA 4 times plus. ये hydration भी देती है skin को और ये काफी अच्छे से nourishment देती है. SPF बहुत अच्छी है इसकी, सो काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है. बहुत बार होता है मैं बहुत जल्दी जल्दी में निकलती हूँ, सनस्क्रीन नहीं लगा पाती या फिर 2 घंटे से ऊपर हो जाते हैं. इफ यू डोंट नो, सनस्क्रीन आपको रीअप्लाई करनी पड़ती है. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने अभी लगाई तो आप 5-5, 6-6 घंटे धूप में घूम रहे हो. नहीं, आफ्टर 2 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई. तो अगर आप ऑफिस जाने से पहले अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर अगर आप ऑफिस से निकल रहे हो और उस टाइम धूप है 4 बजे से पहले एक अच्छी खासी धूप है, तो मेक श्योर आप इसको रीअप्लाई करो. और मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है, काफी अच्छी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है ना, तो मेरे बैग में इजिली आ जाती है. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज इसकी कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, काफी लाइट है, क्विक एब्जॉर्बिंग है, बिल्कुल वेटलेस फील होती है स्किन में. ओवरऑल द फॉर्मुलेशन इज रियली नाइस. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड सनस्क्रीन, डेफिनेटली चेक इट आउट. मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. नेक्स्ट अप, आई हैव माय वॉलेट. दिस इज द लीनो पेरोस का वॉलेट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अंदर सारे मेरे कार्ड्स एंड ऑल है, व्हिच ऑफ कोर्स आई वोंट शो फॉर द प्राइवेसी रीजन. नेक्स्ट अप इज अ पावर बैंक. आई ऑलवेज नीड माय पावर बैंक. ये MI का पावर बैंक है, मैंने Amazon से मंगवाया था. अगर आपको ये चाहिए मैं इसका लिंक दे दूंगी. आई यूज इट विद माई टाइप सी केबल. माई हस्बैंड यूज इट विद हिज iPhone लाइटनिंग चार्जर. बहुत अच्छे से चार्ज करता है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है. वायर ऑफकोर्स मेरी अभी लगी हुई है चार्जर में, वायर में बस एक ही है. सो वेन एवर आई स्टेप आउट आई मेक श्योर ये मेरे बैग में हमेशा फुल्ली चार्ज हो, बिकॉज आई एम ऑलवेज एडिटिंग, डूइंग रील्स एंड ऑल. एडिटिंग से ज्यादा है एक और चीज़ है जो मेरी एडिटिंग से रिलेटेड जो मैंने जस्ट अभी ली है. इनफैक्ट ये कैनेडा से आई है. आई गॉट दिस वन फ्रॉम कैनेडा बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छी डील पे मिल रहा था. दिस इज एयरपॉड्स 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दिस आउट लुक्स लाइक एक बोरिंग सा, मैंने इस पर केस लगाया हुआ है. एयरपॉड्स हैव सेव्ड माई लाइफ. मतलब ऐसा होता था मैं कहीं बाहर होती थी, मुझे ब्रांड का एकदम मैसेज आता था कि आप ये वाला चेंज कर दो, वीडियो में यहाँ पे म्यूजिक का इशू है, यहाँ पे कुछ इशू है, और मुझे ना सुनना होता था. और काफी बार मैं वायर्ड ईयरफोन्स रखने भूल जाती थी, नहीं याद रहते थे. अब ये हमेशा मेरे बैग में रहता है एंड सुपर सुपर हैंडी. मुझे कोई कॉल्स अटेंड करनी होती है मैं इससे अटेंड करती हूँ, मुझे कोई एडिटिंग करनी होती है मैं इससे करती हूँ, वायर की टेंशन नहीं है. सो या एक अच्छे एयरपॉड्स होना आपके बैग में ना बहुत जरूरी है, मतलब आपका काम बहुत आसान हो जाता है. एंड आई लव गैजेट्स. जिस भी गैजेट से मेरा काम आसान होता है आई ऑलवेज बाय इट. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव लॉट ऑफ टिश्यूज. जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं टिश्यूज उठाई लेती हूँ. सैनिटाइजर ऑफकोर्स, सैनिटाइजर के बिना तो काम चलेगा ही नहीं. कोविड जा चुका है लेकिन अभी भी आई थिंक हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए. आई ऑलवेज कैरी अ गुड सैनिटाइजर इन माई बैग. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव लॉट ऑफ बिल्स. बिल्स वैसे बैग में रखने नहीं चाहिए. मैंने कोई एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे कि बिल्स नहीं रखने चाहिए. सो आई ट्राई बेस्ट कि ज़्यादा बिल्स जो भी हो मैं निकालती रहूँ. आई मैंने बहुत टाइम से बैग साफ नहीं किया सो इसलिए. देन वी हैव केचअप. वाई डू वी हैव केचअप इन साइड इट. सो मैगी की जो भी एक्स्ट्रा केचअप बच जाती है मैं रख लेती हूँ. देन वी हैव सम रैंडम टॉफीज. ओके, वॉट नेक्स्ट. वी हैव अ कॉम्पैक्ट एंड वी हैव सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज वेल. ये है मेरा परफ्यूम बाय स्किन बाय टाइटन. आई लव दिस वन. काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ग्लास पैकेजिंग में आता है बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. दिस इज सुपर सुपर लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज़ क्लासी. मतलब इसकी जो खुशबू है ना वो लिटरली क्लासी फील होती है. द नेम ऑफ दिस वन इज स्किन बाय टाइटन न्यूड. या न्यूड इज़ अ वेरियंट. ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, मैंने अमेजोन से लिया था. अगर आपको चाहिए होगा मैं सबकी लिंक नीचे दे दूंगी. नेक्स्ट अप इज अ कॉम्पैक्ट. आई एम एन ऑयली स्किन गर्ल. मुझे तो कॉम्पैक्ट चाहिए ही चाहिए बिकॉज इतना ज़्यादा स्वेट निकलता है ना. सो मेरी ऑयली स्किन नहीं है, मेरी एक्ने प्रोन स्किन भी है. सो आई ऑलवेज मेक श्योर मेरे जो भी कॉम्पैक्ट है ना उसमें ऊपर स्पंज अलग से हो, लाइक नीचे मिक्स नहीं होना चाहिए बिकॉज आई फील लाइक कंटामिनेशन हो जाती है. सो ये मैं लाई थी थाईलैंड के 7-Eleven के स्टोर से. ये कोई जेंडोरी करके रैंडम सी ब्रांड है, मैंने वहाँ से लिया था. वी हैव अ मिरर एज वेल और ऊपर जो इसका स्पंज है वो बिल्कुल ऐसे सेपरेट आता है. इसके अलावा मुझे शुगर का प्ले बनाना कॉम्पैक्ट काफ़ी पसंद है एंड इसका स्पंज भी काफ़ी पतला सा है. सो या एकदम डैप डैप करने के लिए एकदम परफेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव समथिंग न्यू जो मैंने
रिसेंटली ऐड किया एंड आई एम लविंग इट. दिस इज फ्रॉम लैक्मे एज वेल. मैं अभी रिसेंटली लैक्मे का एक इवेंट में गई थी और वहाँ पे मुझे रिसीव हुआ था. जैसी घर आई मैंने इसको ट्राई किया एंड आई लव्ड इट. मैंने इसको इंस्टेंटली अपने बैग में डाल लिया था. सो दिस इज द न्यू कलेक्शन बाय लैक्मे. दिस इज द ग्लिटराटी लिप ग्लेस. बेसिकली लिप ग्लॉस है ये एंड आई एम इन द शेड 303 कैरमल ड्रिजल. बहुत अच्छा लिप ग्लॉस है. इट्स लाइक दैट न्यूड काइंड ऑफ ग्लॉस बट ये बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देता है. बिल्कुल इसका अपना कोई ऐसा कलर नहीं है. बहुत लाइट इसका कलर आता है बट स्मूथ लाइक अ लिप बामी ग्लॉस. सो क्या है ना, जब भी मैं घर से निकलती हूँ मैं हमेशा मैट लिपस्टिक लगा के निकलती हूँ और थोड़ी देर बाद ही मैट लिपस्टिक मुझे अनकंफर्टेबल लगती है या फिर थोड़ी थोड़ी उड़ जाती है. सो उसके ऊपर फिर मैं मैट लिपस्टिक के लिए नहीं बनाती, फिर वो और ज़्यादा चैपी हो जाता है. तो मैं हमेशा अपने बैग्स में एक अच्छा ग्लॉसी ऐसे प्रोडक्ट रखती हूँ. सो ये हाइड्रेशन भी देगा, ये एक लिप बाम सॉर्ट ऑफ काम भी करेगा, ये उस मैट लिपस्टिक को थोड़ा सा ग्लॉसी भी बना देगा. और आजकल ग्लॉसी लिप्स का फैशन है, एज यू कैन सी आजकल अच्छे लगते हैं ग्लॉसी ग्लॉसी लिप्स. सो या दिस वन इज रियली नाइस, आई लव द शेड. नेक्स्ट अप वी हैव, व्हाट डू वी हैव अ कैप्सूल टिश्यू. मैं बहुत सारे ऐसे कैप्सूल टिश्यू रखती हूँ. सो मैं अपने बैग में ऐसा वेट वाइप नहीं रखती, एक तो मैंने खोल के भी रखा हुआ, आई डोंट नो व्हाई. सो ये बेसिकली कैप्सूल टिश्यूज होते हैं. मैं काफी बार अपनी वीडियोज में दिखा चुकी हूँ. आई लव दीज. मैं हमेशा अमेजोन से रीस्टॉक कर लेती हूँ. ऐसे कैप्सूल्स में आते हैं, आपको खाली इसके ऊपर पानी डालना और ये वेट वाइप बन जाता है. काफी अच्छे से आप फेस वाइप कर सकते हो, कुछ रिमूव करना रिमूव कर सकते हो एंड ईजी रहता है. नॉर्मल वेट वाइप्स होते हैं बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता. एंड देन वी हैव सम मोर टॉफीज. देन वॉट डू वी हैव, वी हैव अनदर लिप बाम. ये छोटू सा लिप बाम है, ये सेम जो 7-Eleven से मैंने कॉम्पैक्ट लिया था ना. आपने मेरी अगर वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके देखना. मैंने बहुत सारे 7-Eleven से मेकअप और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लिए थे और मैंने उनका एक शॉर्ट रिव्यू भी बनाया था. सो आप वो पूरी एक वीडियो में देख सकते हो. सो मैंने एक कॉम्पैक्ट का पूरा सेट लिया था, इसमें कॉम्पैक्ट आया था और ये छोटा सा लिप बाम आया था. लिप बाम इतना कोई खास नहीं है, सो तब से इसमें रखा ही हुआ है. कभी कभी ऐसी टचअप के लिए यूज़ कर लेती हूँ. देन नेक्स्ट अप वी हैव, वॉट डू वी हैव, दिस इज द ओडोमॉस. ओ इट्स अ फैब्रिक रोल ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो वेदर चल रहा है ना, आई थिंक उसमें सबके पास ये फैब्रिक रोल ऑन होना चाहिए. एक छोटा सा कुछ इस तरह से आता है, यू जस्ट हैव टू रोल इट ऑन ऑन योर फैब्रिक. इसको स्किन पे नहीं लगाना, इसको यहाँ फैब्रिक पे लगाना है. इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग है. मतलब अगर आप कुछ अच्छे इवेंट में जा रहे हो या फिर आपको अच्छा लाइक स्मेल करना है तो मत लगाना, बट दिस इज मोर फॉर लाइक मॉस्कीटो प्रोटेक्शन. काफ़ी बार होता है, हम कहीं टेरिस कैफे में बैठे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, अभी मौसम ऐसा मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं. सो वट आई डू, मैं इसको ज़्यादातर पैरों में अपनी जीन्स के पास या जो भी मैंने लोअर पहनी होती है उसके पास लगा लेती हूँ ताकि मुझे पैरों पर मच्छर ना काटे. सो या दिस वन इज अ लाइफ सेवियर. ओके सो सेंटर में जितना भी था ना वो खाली हो चुका है. अब इसमें ये वाले साइड में भी एक पॉकेट है जो ओपन पॉकेट है. इस बैग में सैडली कोई अंदर जिप पॉकेट नहीं आती, इसमें खाली ओपन साइड पॉकेट आती है. सो सबसे पहला आइटम है ये क्लिप ऑन बेसिकली ग्लासेस. ये टूटे नहीं हुए हैं, सो मैं दिखा देती हूँ आपको. वेयर आर माई ग्लासेस, ये सो मैंने अभी लेंस लगाए हुए हैं बट मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं. आई हैव रियली हाई पावर. सो मैंने लेंस कार्ड से लिए थे. मैं ज़्यादातर ये वाले स्पेक्स लगाती हूँ और ये मैग्नेटिक क्लिप ऑन है. सो जैसे आप इसके ऊपर लगाओगे ये ऐसे स्टिक हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी कूल. कहीं भी धूप में जाना हो सो ईजी रहता है. तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये मैं हमेशा अपने वाले बैग में रखती हूँ. जब भी मुझे लगे थोड़ी सी धूप आ रही है, फट से मैं ऐसे क्लिप ऑन लगा लेती हूँ. बिकॉज मैं मैक्सिमम केसेस में लेंसेज नहीं पहनती, मैं शूट करने के लिए लेंसेज पहनती हूँ. अदरवाइज आई जस्ट अवॉइड कि मैं कम से कम लेंसेज पहनूँ. सो या सो ये हो गया हमारा क्लिप ऑन. देन वी हैव हेयर बैंड. आई ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा हेयर बैंड. एक अभी गिर गई है सो मैंने दो रखी हुई थी. देन नेक्स्ट अप वी हैव अ स्टिक. ये आइसक्रीम स्टिक नहीं है, सो ये बेसिकली एक नेल फाइलर है. सो जब भी आप कोई फेक नेल्स लोगे ना, और मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे भी सेंड करते हैं फेक नेल्स, सो उसके साथ ये आते हैं ऐसे छोटे छोटे फाइलर आते हैं. एंड मेरे साथ क्या है, मेरे नेल्स बहुत टूटते हैं, कहीं स्टक हो जाता है, कपड़े में फंसते हैं. काफ़ी बार हुआ है मेरे टॉप में ऐसे फंस जाते हैं, मेरा टॉप फट जाता है. सो तब से मुझे डर लगे हैं, मेरे 2-3 टॉप ना ऐसे खराब हो गए हैं बिकॉज नेल अटक जाता था. तो अब मैं हर अपने बैग में ऐसे छोटे छोटे फाइलर रखती हूँ. जब भी लगता है कहीं से नेल ऐसे चिप ऑफ हो रहा है तो ऐसे फटाफट से फाइल कर लिया, उससे वो नेल बेसिकली बफ हो जाता है और जो भी वो ऐसे अटकता है ना कपड़ों में या बालों में वो नहीं अटकता है. सो दिस वन इज़ वेरी वेरी हैंडी. कभी लगता है आपके नेल एकदम टूट गए, उसकी शेप अच्छी नहीं लग रही, तो आप फटाफट से फाइल कर सकते हो. एंड या आई थिंक वी आर टू मोर स्टफ. मैंने एक साथ ही निकाला था. सो ये है वेट वाइप, ये है सैंडोज के रेस्टोरेंट में वाले वेट पाइप मिलते हैं तो मैं हमेशा उठा लेती हूँ. देन नेक्स्ट अप वी हैव, व्हाट वी हैव, वी हैव अ पीवीआर का कूपन.
फेंको. ओके, सो दिस इज अनदर थिंग जो मैंने थाईलैंड की 7-Eleven से ली थी. वैसे ये इंडिया में भी मिलती है. मिस क्लियर के थे मेरे पास. दीज आर स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये हर लड़की के पास होने चाहिए, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आपकी ऑयली स्किन, अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बिल्कुल भी ऐसे ग्रीसी ग्रीसी फील नहीं होता होगा. लेकिन मेरे साथ क्या है, मेरी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये बेसिकली ऐसे छोटे छोटे टिश्यूज आते हैं. लेट जस्ट शो यू वन. एंड वंस यू जस्ट पुल इट आउट, ये कुछ इस तरह से पेपर होता है, बटर पेपर, वट एवर यू से. एंड जैसे ही आप इसके ऊपर डैप करोगे, इस पर सारा जो भी आपका एक्सेस ऑयल है, स्वेट है, वो सब इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा. कैन यू सी, ये पूरा जो है ये ऑयल है मेरी स्किन का. क्विक से कशी का ज्ञान देना चाहती हूँ. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, आप फटाफट से टचअप करना चाहते हो, लग रहा है ना फेस एकदम मैसी मैसी हो गया है, सबसे पहले यूज़ करो स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू. उसके बाद आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, मेकअप करना है मेकअप कर सकते हो, सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी है तो सनस्क्रीन भी रीअप्लाई कर सकते हो. मैं अगर पूरे दिन के लिए कहीं जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं कंसीलर अपने साथ रख लेती हूँ. अभी मैंने बैग में कोई कंसीलर नहीं रखा, बिकॉज आजकल की नीड नहीं होती. कंसील किया, उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट और लिप बाम, लिप ग्लॉस, जो भी यूज़ करना है. एंड दैट्स इट, आपका फटाफट से क्विक वाला मेकअप हो जाता है. आपको अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड या, दिस इज लाइक अ क्विक टिप फॉर अ नाइस री एप्लीकेशन. एंड विद दिस माई बैग इज कम्प्लीटली एम्प्टी. इस बहाने बेचारा बैग साफ हो गया, बिकॉज जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ लिटरली इसमें सामान डलता ही जाता था. नॉट टॉकिंग अबाउट द बैग, दिस वन इज फ्रॉम माइकल कॉर्स. ये माइकल कॉर्स की सबसे आई थिंक वायरल कलेक्शन है. अमन कॉल्स इट द मोस्ट वायरल बैग, बिकॉज हम जहाँ भी जाते हैं ये वाला या फिर इसका व्हाइट वाला बैग हमेशा हमें कहीं ना कहीं दिख जाता है. सो ये इंडिया में भी अवेलेबल है, दो दिस इज गिफ्टेड. ये मुझे वेडिंग गिफ्ट में मिला था बाय माई कजन सिस्टर. वो यूएसए से लाई थी. यूएसए में ऑफकोर्स और सस्ता है, लेकिन ये आपको आजियो लक्स पे भी मिल जाएगा. सो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगी जस्ट इन केस यू इंटरेस्टेड. बट ये काफी अच्छा स्पेशियस बैग है, मतलब बहुत सारा. एक तो सॉलिड है, स्पेशियस है, एवरीडे के लिए ऐसे ही बैग्स अच्छे लगते हैं. अननेसेसरी वो फैंसी शेप वाले बैग्स नहीं अच्छे लगते, बिकॉज फिर उसमें सामान नहीं आ पाता. इसमें मेरा आपने देख ही लिया कितना सारा सामान आ गया. और इसके अलावा काफ़ी बार होता है मैं और भी कुछ डाल देती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है, 2-3 सामान और इसके अंदर डाल देती हूँ. कोई बैग, फोल्डिंग बैग रख लेती हूँ अगर ग्रोसरी लेने जाना होता है, या फिर हस्बैंड कभी कभी मुझे अपना वॉलेट वो दे देता है रखने के लिए, तो उसका भी वॉलेट इसमें फिट आ जाता है. लिटरली इसमें सारा वो सामान फिट आ जाता है. सो दिस वन इज़ रियली स्पेशियस. एंड इसका स्लिंग भी काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल है, तो आप इजिली एडजस्ट भी कर सकते हो. एंड द क्वालिटी इज़ रियली नाइस. ओवरऑल ये बैग काफ़ी अच्छा. अगर आप थोड़ा सा लक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको एक अच्छा एमके का बैग चाहिए जो एवरीडे बेसिस पे आप कैरी कर सको, दिस वन इज़ really nice. And with this, my what is in my bag video is over. Let me know ये आपको कैसी लगी. And इसके अलावा आप क्या कैरी करते हो, अगर कुछ है ऐसा जो मैं नहीं कैरी करती या फिर आप कैरी करते हो, मुझे ज़रूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना. What else do you like to carry in your bag, या फिर कुछ और स्पेशल जो आप हमेशा अपने बैग में रखते हो, मुझे डेफिनेटली नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना. और अभी मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. एंड यार, दैट इज टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.